हाय फ्रेंड्स, मैं गौरव और स्वागत है मेरे चैनल स्टडीहब में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ RIECEE के बारे में। ये रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन का एग्जाम है दोस्तों, तो मैं आज आपको इस वीडियो में इसकी सारी डिटेल्स बताऊंगा, इसको फॉर्म कैसे भर सकते हैं, इसके डेट्स के बारे में बताऊंगा, इसके पेपर पैटर्न के बारे में बताऊंगा, सारी सारी से आपको कौन कौन से कोर्सेज मिलेंगे। तो चलिए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमें जानते हैं RIE क्या है। दोस्तों, ये रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन है। दोस्तों, ये गवर्नमेंट कोर्सेज आपको देता है और आपको इससे भी यूनिवर्सिटीज मिलेंगी, सारे गवर्नमेंट है। दोस्तों, इसमें आपके जो कुछ ब्रांचेस जैसे RIE अजमेर, RIE भोपाल, RIE मैसूर और भी बहुत है। तो जो इसका बेस्ट ब्रांच है वो RIE अजमेर है। और दोस्तों, ये जो महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी इससे एफिलिएटेड है। और दोस्तों, NCERT जो NCERT इसको कंडक्ट कराता है। तो अब हम बात करते हैं आपको कोर्सेज कौन कौन से मिलेंगे। तो उससे आपको इससे BSc मिलेगा, आपको इससे BEd मिलेगा और साथ ही साथ आपको BA भी मिल सकता है। और इससे भी काफी ड्यूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स भी इसमें प्रोवाइड होते हैं, जैसे BSc प्लस MSc या BEd प्लस MEd। तो इस तरह आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आपको कौन कौन किस प्रोग्राम के लिए आपको अप्लाई करना है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो इसके लिए आपके 10+2 में 50% होने चाहिए और उसके साथ ही साथ अगर आप SC ST कैटेगरी के हैं तो आपके 45% होने चाहिए। बात कर सकते हैं पेपर पैटर्न के बारे में। तो दोस्तों, तीन पार्ट में क्वेश्चन पेपर आएंगे, आपके इंग्लिश से आएंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड से आएंगे और रीजनिंग एप्टीट्यूड से आएंगे। दोस्तों, जो इंग्लिश है वो 20 क्वेश्चन उसमें से आएंगे, उसका टीचिंग से आपके आएंगे 30 क्वेश्चन और उसके बाद आपके रीजनिंग से आएंगे 30 क्वेश्चन। हर क्वेश्चन के लिए आपको +2 मिलेगा और इसमें निगेटिव मार्किंग 0.05 है, यानी अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो आपको 0.05 डिडक्ट हो जाएंगे। दोस्तों, ये 2 घंटे का क्वेश्चन पेपर होता है तो आपके पास 2 घंटे का समय है इसको सॉल्व करने का। और दोस्तों, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में आपको प्रोवाइड होता है। टोटल 80 क्वेश्चन होंगे और आपके जो मार्क्स होंगे टोटल 160 क्वेश्चन, इसमें 160 मार्क्स के आपके होंगे। अब बात करते हैं डेट फॉर्म ऑफ फीस के बारे में। दोस्तों, ये 20 मार्च से करीबन कभी स्टार्ट होता है और 9 से 10 मई तक जाता है, यानी आपके पास 20 मार्च से लेकर मिड ऑफ मार्च से लेकर स्टार्टिंग ऑफ मई तक का टाइम है। दोस्तों, इसकी फॉर्म की फीस ऐसे है कि जो जनरल ओबीसी कैंडिडेट है उनको 800 जमा करना पड़ेगा और जो SC ST या फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनके लिए 400 है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आपके मन में कोई भी डाउट है RIE को लेकर तो उसे जरूर कमेंट करें। थैंक यू।